बीजेपी के महामंत्री सीटी रवि मेरे साथ हैं। रवि जी, आप लोग कर्नाटक का चुनाव के हारे, अब तो आरएसएस से जुड़े जितने भी बड़े लोग हैं उनके उनके बारे में जो किताबों में वहाँ के पाठ्यक्रम में है उसको भी हटाया जा रहा है। हटा करके कांग्रेस उसका मन में इनटॉलरेंस है ना, वो जाहिर किया है। वो पट्टी से हटा सकता है, दिल से हटा नहीं सकता। संघ स्वयं सेवकों का दिल में है, जनताओं को दिल में है, हृदय में है, उसको हटा नहीं सकता। बहुत बार कोशिश की है, नेहरू जी से लेकर राहुल तक को, आज भी कोशिश कर रहा है। संघ हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा है, कारण केवल देशभक्ति सिखाते हैं संघ। देशभक्ति के बिना नहीं सोचता है कांग्रेस। देशभक्ति छोड़ करके क्या करना चाहता है? ग्रेवाड़ देश जी को का जो छोड़ना हटाया चाहता जा है रहा क्या? है, ग्रेवाड़ जी का जो बुक में था उसको भी हटाया जा रहा है। वो लोग सत्ता में है, हटा सकता है, बट दिल से हटा नहीं सकता। संघ केवल पट्टी में नहीं है, हेडगेवार जी दिल में है, करोड़ों स्वयंसेवकों को दिल में हेडगेवार जी है, वो हटा नहीं सकता। राहुल गांधी भी कई बार आरएसएस की तुलना और उनकी पार्टी के और लोग भी मुस्लिम ब्रदरहुड से करते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी सरकार है, तो ये तो स्वाभाविक था। आपको भी अंदाजा होगा कि हटाया जाएगा ये चीज़ें। मुझे लगता है पीएफआई को एजेंडा आज का कांग्रेस लेके जा रहा है। पीएफआई को एजेंडा था भारत तोड़ना, कांग्रेस का एजेंडा भी ऐसा ही है, भारत तोड़ना। भारत जोड़ना नहीं है, तोड़ने के लिए ऐसा सोच रख करके काम कर रहा है। उसके वजह से आरएसएस को, संस्थापकों को पट्टी से निकलना चाहता है। आगे क्या करेंगे आप लोग इस मुद्दे पे? अब वो लोग सत्ता में है, क्या करना चाहता है करना, हम जनता के साथ है। हम लोग तय करेंगे, 24 में चुनाव आता है ना, उस समय सबक सिखाएंगे। शुक्रिया आपका। कैमरा नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।